सोलो लेवलिंग एनिमे सीरीज देखने के बाद मेरे अंदर और ज्यादा ये क्यूरियोसिटी हुई कि यार इस तरीके की कोई और एनिमे सीरीज है यार, उसे क्यों ना देखा जाए। तो इसी तलाश में मुझे मिली काइजू नंबर 8 एनिमे सीरीज, जिसके अंदर 12 एपिसोड है और ये ऑफिशियली हिंदी डब में है। ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि जो बढ़िया बढ़िया एनिमे सीरीज है अब उसे हिंदी में लाया जा रहा है। अब मैंने सुना है कि डेथ नोट भी जो है वो हिंदी में आने वाली है। हालांकि डेथ नोट को मैं कंप्लीट कर चुका हूं, लेकिन अभी तक मैंने इसका रिव्यू नहीं किया। बहुत पहले ही कंप्लीट किया था लेकिन रिव्यू नहीं किया क्योंकि आलस ज्यादा है। जब डेथ नोट हिंदी में आ जाएगी वहां पर इसको हिंदी में देखकर इसका रिव्यू कर देंगे। लेकिन अभी आज की जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है काइजू नंबर 8, उसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जिसकी स्टोरी है काइजू नंबर 8 की, तो हमें देखने को मिलता है कि जो काइजू वर्ड है वो जापानीज वर्ड है। तो जहां पर मतलब होता है बड़े बड़े मॉन्स्टर हो गए, दानव हो गए, राक्षस हो गए, एक तरीके से जो गॉडजिला टाइप के हैं, इस तरीके के जानवर जो है वो धरती से निकल निकल कर, पता नहीं कहां पर छुपे हुए थे, वो धरती से निकल निकल कर धरती की सतह पर आ रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। और इनको रोकने का काम होता है जो जापानीज डिफेंस फोर्स है, स्पेशल फोर्स कह लो, डिफेंस फोर्स कह लो, जिनके पास काफी बढ़िया इक्विपमेंट है जो इन जानवरों को मार पा रहे हैं। और इसी तरीके का अटैक होता है, बहुत पहले काइजू का एक अटैक होता है जहां पर दो, एक काफकाय और एक मीना, जो बचपन के दोस्त होते हैं, इनके घर बर्बाद या तबाह हो जाते हैं काइजू के अटैक में। तो ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो जापानीज डिफेंस फोर्स में शामिल होंगे और बहुत पावरफुल ऑफिसर्स बनेंगे। लेकिन मीना जो है वो एग्जाम क्लियर करके तो डिफेंस फोर्स में शामिल हो जाती है, लेकिन भाई साहब जो काफकाय है, लौंडा है, उसे एग्जाम क्लियर नहीं होता है एक बार में, तो ये मतलब फेल हो जाता है। तो अब ये क्या करता है कि जो डिफेंस फोर्स काइजू को मारती है उनकी जो बॉडी है उनको साफ करने का काम काफकाय करता है, एक तरीके से स्वीपर होता है। लेकिन एक दिन एक छोटा काइजू इसके शरीर में एंटर करता है और इसको काइजू बना देता है, इसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। फिर ये सोचता है कि क्यों ना एक बार और डिफेंस फोर्स में शामिल होने के लिए कोशिश की जाए, और बिना किसी को बताए कि वो अब काइजू है, क्योंकि किसी को पता चला तो ऑब्वियसली उसको मुंह मार देंगे। तो ये अपना अपने साथ ये सीक्रेट अपने साथ रखता है बेशुमार ताकत के साथ। अब देखने वाली बात ये होती है कि इसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे अपनी असलियत जो लोगों से छुपाए रखता है, या उसकी असलियत कब लोगों के सामने आती है। इन तमाम सवालों के लिए तो देखो आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। अब जो अच्छी अच्छी चीजें हैं इस सीरीज की, तो देखो इसकी कहानी मुझे काफी अच्छी लगी। हाँ, आपको फर्स्ट एपिसोड या सेकंड एपिसोड शायद इतना पसंद ना आए, लेकिन जैसे ही कहानी के साथ आप मतलब इसके एपिसोड के साथ आगे बढ़ेंगे, कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, दिलचस्प लगेगी, आपकी इच्छा होगी कि आने वाले एपिसोड कैसे होने वाले हैं, एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर बन जाएगी। इवन जब मैंने इसके सारे एपिसोड देख लिए थे तो मैं इसके सेकंड सीजन को खोजने लग गया था कि यार हाँ यार इसका सेकंड सीजन कब आएगा, या आ चुका है या नहीं आया। लेकिन अभी तक तो इसका सेकंड सीजन नहीं आया, आने वाले मतलब कि मुझे नहीं पता कब आएगा, 2025 में कह रहे हैं कि इसका सेकंड सीजन आ जाएगा। सीरीज के अंदर कॉमेडी भी है जो डेफिनेटली आपके चेहरे पे स्माइल ला देती है। एक्शन वाइज सीरीज काफी बढ़िया है क्योंकि काफी अच्छे अच्छे एक्शन दिखाए गए हैं। जो एक करेक्टर है काफकाय उसको मैच्योर दिखाया गया, लेकिन का जवाब मैं इसकी ड्रॉबैक में दूंगा, मतलब जो इसकी कमियां है उसकी अगर हम चर्चा करें तो काफकाय का जो करेक्टर वो मैच्योर है लेकिन काफी ज्यादा इरिटेट भी करते हैं। कुछ ऐसे सीन या फिर बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं जिसमें बिना वजह के ऐसी उठपटांग हरकतें हमें दिखाई जाती हैं कि जो इरिटेट करता है काफकाय, मतलब काफकाय का कैरेक्टर जो है हमें इरिटेट करता है। मतलब कि ऐसा सीरियस सीन चल रहा है जहां पर कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है कॉमेडी की या बकवास से सीन की या उठपटांग हरकत की, वहां पर काफकाय को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक तरीके से अजीब सा लगता है, हमको काफी ज्यादा इरिटेट करता है। तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए था, बिना वजह की वो कॉमेडी नहीं रखनी चाहिए थी, बिना वजह के जो एक ऐसे उठपटांग से सीन है उनको कम रखने की जरूरत थी। कुछ एपिसोड तो ऐसे थे जिनकी कोई भी जरूरत नहीं थी, अगर वो हटाकर स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता तो काफी ज्यादा बेटर रहता। जो इसकी एनिमेशन है उससे मुझे काफी दिक्कत रही है, एनिमेशन बहुत ज्यादा एवरेज है या एवरेज से भी नीचे है। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बढ़िया स्टोरी है, आप इतने अच्छे तरीके से चीजों को दिखा रहे हैं तो वहां पर एनिमेशन पे क्यों नहीं फोकस किया गया, मे बी उनका अपना रीजन हो सकता है। और इस सीरीज को देखते वक्त कहीं कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आई कि अटैक ऑन टाइटन देख रहा हूं, क्योंकि कुछ एक सीन ऐसे थे जहां पर मतलब वो अटैक ऑन टाइटन से ही कॉपी किए हुए थे। अभी फिलहाल फर्स्ट सीजन में तो कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, कुछ कैरेक्टर ऐसे दिखाए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे, लेकिन उनको अभी तक अच्छे से नहीं दिखाया गया। मे बी जब इसका सेकंड सीजन आएगा उन चीजों को और अच्छे से हमारे सामने रखा जाएगा। ओवरऑल अगर सीरीज की बात करूं तो हिंदी डबिंग अच्छी है, एक्शन अच्छे है, लेकिन कहानी भी सही है, लेकिन कुछ बोरियत वाले एपिसोड रख देने के कारण इसमें मैं कह सकता हूं कि थोड़ा ड्रॉबैक है इस सीरीज के अंदर। मेरी तरफ से तो मैं इसको देना चाहूंगा 6/10। अगर आप लोगों ने एनिमे सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो हाँ वन टाइम आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, मे बी आपको पसंद आ जाए, मेरी सोच से आपकी सोच तालमेल ना खाती हो। तो बस आज के लिए इतना था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।